हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हटके, क्योंकि आज मैं कुछ खास बात करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैं डिटॉक्स डाइट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पर ये डिटॉक्स डाइट कोई वेट लॉस लिए नहीं और बेनिफिट लिए भी नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण हमारे लंग्स को जो हम इन्फेक्टेड बना देते हैं, उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए आज मैं आपके साथ ये डिटॉक्स डाइट शेयर करने जा रही हूँ। इस डिटॉक्स डाइट को अगर आप 72 आवर्स तक फॉलो करें तो आप 72 आवर्स में आपकी लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। तो ये मत सोचना कि जो स्मोक करते हैं सिर्फ उसका ही लंग डिजीज हो सकते हैं और जो स्मोक नहीं कर सकते उसके लंग में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी हमारी लंग्स इन्फेक्टेड होती है। अगर आपके पास बैठे कोई स्मोकिंग कर रही है और आप वही एयर अपने अंदर ले रही हो ब्रीदिंग के थ्रू, तो आपके लंग्स भी इन्फेक्टेड होती है। तो इसके लिए अगर आप आपकी लंग्स के केयर करना चाहते हो और अगर आप आपको लंग्स को इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हो तो ये डाइट आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। पर इसको करते समय आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको इन 3 दिनों में कोई भी मिल्क या मिल्क से रिलेटेड फूड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हो इसका मतलब आप टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही हो। तो अगर आप उसके साथ साथ दूध या दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ इंटेक करोगे तो उसका भी टॉक्सिन रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो आप डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहिए। तो इस डिटॉक्स डाइट को स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आप जब ब्रेकफास्ट करें उससे पहले 300 ml पानी में आप 2 लेमन की जूस ऐड करके मिक्स करके उसको पी लीजिए। ये आपकी फुल बॉडी के साथ साथ आपकी लंग्स को भी डिटॉक्सिफाई करेगी। पॉइंट नंबर 2 है कि दिन में एक बार एटलीस्ट पाइनएप्पल या फिर ग्रेप्स, ध्यान रखना पाइनएप्पल या फिर ग्रेप्स का जूस लेना पड़ेगा। दिन में कोई भी एक बार आपको 1 ग्लास ऑफ पाइनएप्पल या फिर ग्रेप्स का जूस लेना पड़ेगा। बिकॉज दिस 2 फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को क्लियर करने में मदद करती है। सुबह ब्रेकफास्ट पे या फिर लंच पे आपको 1 ग्लास कैरेट जूस जरूर पीना है। सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच में आपको 1 ग्लास ऑफ कैरेट जूस पीना है। लंच पे आप बनाना स्मूदी, स्पिनच या फिर नारियल का जो व्हाइट पार्ट होता है वो ले सकते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स आर रिच इन पोटेशियम जो हमारे लंग्स के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करते। रात को सोने से पहले 1 कप हर्बल टी आप जरूर पिए। मगर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डाइट को करते समय आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर आए। मैं आपके साथ कुछ ऐसी फूड्स के बारे में बात करूंगी जो आपके लंग्स को बहुत दिन तक हेल्दी रखने में मदद करती है। लाइक टोमेटो, टोमेटो में है लाइकोपेन जो हमारी लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है, जिससे हमारी एयर में जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोकिंग के जो स्मोक होती है उसके बैड इफेक्ट से हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी लंग्स को पॉल्यूटेड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। किसी को अगर एस्थमा और कफ की प्रॉब्लम है वो हल्दी के साथ गुड़ मिला के ले सकते हैं, इससे एस्थमा और कफ की प्रॉब्लम दूर होती है। या फिर सिर्फ एस्थमा की प्रॉब्लम के लिए आप हल्दी के साथ गुड़ एंड बटर मिला के खाए तो आपकी एस्थमा की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। विटामिन सी एनरिच्ड फूड लाइक आंवला, नींबू, ऑरेंज, संतरा ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है।
और जितनी भी टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में जमी होती है उसको रिमूव करने में मदद करती है। एप्पल में मौजूद फ्लेवोनॉइड हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने में मदद करती है, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स से शुरू करके लंग्स तक जो नाली है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको क्लियर रख के हमारी ब्रीदिंग में मदद करती है। तुलसी ये लंग्स में जमी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करती है। चेन स्मोकर के लिए और जो कंटिन्यूस स्मोक करते हैं उन लोगों की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर आप अपनी लंग्स को बहुत दिन तक क्लियर रखना चाहते हैं तो आपको डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स हम हमारे अंदर ले लेते हैं कि उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। और एक एक्सरसाइज है जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो है रनिंग। रेगुलर रनिंग करने से आपकी लंग्स पर प्रेशर आएगी तो आपकी लंग्स और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकेगी। तो अगर आपको आपकी लंग्स को बहुत दिन तक हेल्दी रखना है तो ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो करें, डेली एक्सरसाइज करें। और ये मत सोचिए कि आप डिटॉक्स डाइट फॉलो करेंगे उससे आपका लंग्स क्लियर हो जाएगी, फिर आप स्मोक करते रहेंगे, आप डिटॉक्स डाइट करते जाएंगे और स्मोकिंग करते जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये कोई कपड़ा नहीं है कि हम धो के फिर से पहन सकते हैं और फिर गंदा हो जाए फिर धो सकते हैं। तो अगर आप डिटॉक्स डाइट फॉलो करके आपकी लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर रही है, उसके साथ साथ आपको आपकी स्मोकिंग के हैबिट को भी धीरे 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 कम करते हुए बंद कर देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपकी इस डाइट को और किसी भी डाइट कोई इफ़ेक्ट आपकी लंग्स के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके पास बैठे कोई स्मोकिंग करता है, आपके हस्बैंड हो, आपके रिलेटिव्स में कोई हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कहें कि आज से ही स्मोकिंग करना कम कर दे और ये डिटॉक्स डाइट ज़रूर फॉलो करें, इन टिप्स को फॉलो करें, एक्सरसाइजेस करें, खुद भी अपने लंग्स को हेल्दी रखें और दूसरों को भी अपने लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करें। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।